मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार होने वाले प्रतिबंधित नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाते हुए दो तस्करों को भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयनगर के कार्य क्षेत्र भारत नेपाल भाहिया सीमा चौकी पेपरौन के जिम्मेवारी के इलाके में सशस्त्र सीमा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निरीक्षक सुनील दत्त समवाय प्रभारी पेपरौन की अगुवाई में की गई कार्यवाही विशेष वाहन चेकिंग के दौरान भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 285 से लगभग 1 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की तरफ दरभंगा से पेपरौली जटही जा रही एक यात्री बस में 2 व्यक्ति ब्रज किशोर पांडे उम्र 56 निवासी सोठ गांव थाना हरलाखी एवं ललित कुमार झा उम्र 43 निवासी हरसुवर थाना हरलाखी को 595 बोतल कोडिन कफ सिरप के साथ जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए सामान यात्री बस और गिरफ्तार व्यक्तियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना हरलाखी के सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार के अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट 48वीं वाहिनी जयनगर ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है और अवैध गतिविधियों को रोका जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भेजा थाना पुलिस ने विभिन्न कांड में नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए भेजा थाना अध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि भेजा थाना में दर्ज कांड 198/2006 में नामजद आरोपी बरारही गांव निवासी जीवा यादव तथा भेजा थाना में दर्ज कांड संख्या 39/21 के नामजद आरोपी बसीपट्टी गांव निवासी बद्री कामत एवं भेजा थाना में दर्ज कांड संख्या 250/2008 के नामजद आरोपी करहरा गांव निवासी नूनू राय के साथ ही भेजा थाना में दर्ज कांड संख्या 250/2008 में दर्ज कांड में नामजद आरोपी करहरा गांव निवासी रामाशंकर राय को पुलिस ने देर रात अलग अलग गांव से गिरफ्तार किया है। धाराएं सभी आरोपी को कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जयनगर से संतू नायक और मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट।